ब्लॉगिंग मैंने जब से शुरू की, यूट्यूब के वीडियोस बनाना जब से मैंने शुरू किया, तब से मैंने अपने मैंने जितने भी 16-17 ब्लॉग्स बनाए उन्हीं को देख रहा था आज, तो सोचा कि एक रिवाइंड वीडियो बना दो 2020 के लिए। हालांकि इस साल में मैंने कुछ ज़्यादा कुछ खास तो किया नहीं, मगर जितना भी किया उसी का एक छोटा सा रिवाइंड बना दिया जाए। सो वेलकम बैक टू माई चैनल एवरीवन। आई होप कि आप लोग बिल्कुल स्वस्थ और मस्त होंगे। साल खत्म होने वाला है कल, जब ये व्लॉग आएगा तो ये 31 को ये व्लॉग आएगा, मतलब आ जाएगा। तो मेरे माइंड में आया कि यार सब क्रिएटर्स एक रिवाइंड वीडियो बना रहे हैं, तो क्यों ना मैं भी एक रिवाइंड वीडियो बनाऊं। हालांकि मैंने कुछ खास बहुत ज़्यादा व्लॉग्स अपलोड नहीं किए, मगर फिर भी जितने भी व्लॉग्स अपलोड किए हैं क्यों ना उसका छोटा सा रिवाइंड बनाया जाए और उन्हीं यादों को वापस से ताज़ा किया जाए जो 2 महीने पहले हमने शुरू की थी, 2 महीने 2.5 महीने पहले। तो बात करते हैं अपने सबसे पहले ब्लॉग की, जो कि था 11/10/2020 को, मतलब 2 महीना पहले। मैंने इस व्लॉग में देखा कि भाई साहब मैंने 2 महीनों में कितने ज़्यादा चेंजेस कर दिए हैं अपने व्लॉगिंग स्टाइल में। मैंने मेरा जो पहला व्लॉग मैंने जो अपलोड किया था, तो मैं कैसा मैंने रिएक्ट किया था, मैंने कैसा बोला था, मैंने कैसा बिहेव किया था कैमरा के सामने। इनफैक्ट मैं कई बार गड़बड़ा रहा था, और इन 2 महीनों में मैंने इतना ज़्यादा डेवलप कर लिया कैमरा के सामने अपने आप को, कि मुझे खुद यकीन नहीं हो रहा कि 2 महीने का मेरा पहले का वीडियो मेरा ऐसा था और 2 महीने के बाद मैं आज ऐसे वीडियोस बना रहा हूँ। हालांकि कुछ खास इम्प्रूवमेंट नहीं है, मगर फिर भी कमाल के इम्प्रूवमेंट्स हैं। पहला व्लॉग ही मैंने पब्लिक में किया, और उस टाइम मेरी जो फट रही थी ना व्लॉगिंग करने में, मैं सही बता रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा नर्वस था, घबराया हुआ था, समझ नहीं आ रहा था क्या बोलूं क्या ना बोलूं, लोग देखना पसंद करेंगे कि नहीं करेंगे। और मुझे यकीन नहीं हुआ कि पहले व्लॉग में लगभग 250 से ज़्यादा व्यूज़ आ गए, मैंने ये उम्मीद नहीं की थी। और उसके ठीक दूसरे दिन मेरे व्लॉग पर कॉपीराइट क्लेम आ गया, क्योंकि मैंने एपिडेमिक साउंड्स की म्यूज़िक यूज़ कर लिए थे विदाउट लाइसेंस के, तो कॉपीराइट क्लेम आ गया, तो मुझे हटाना पड़ा, जिससे मेरा सिनेमैटिक थोड़ा सा ख़राब हो गया लास्ट का। बट ठीक है, कहते हैं ना कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो कुछ खोया मगर कुछ पाया, ये सीखा कि नहीं यार विदाउट लाइसेंस को हम कुछ भी यूट्यूब पर यूज़ नहीं कर सकते हैं। ये कोई टिकटॉक नहीं है जो कि कुछ भी यूज़ कर लेता है। ए, उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। फिर इस लंबे से लॉकडाउन के बाद ऑलमोस्ट 6-7 महीनों के बाद ये अपना वापस से कोचिंग खुल गया। पहला कोचिंग का व्लॉग बनाया, बहुत मज़ा आया कोचिंग जाकर 8-9-6-7 महीनों के बाद। जो खुशी मिली वो अलग लेवल की थी, अलग चस्का था। सुबह सुबह उठकर कोचिंग भागने का उसका अलग ही नशा था। आपको सबसे इंट्रोडक्शन कराया, सर भी कंफ्यूज थे भाई साहब ये कोचिंग ये कौन नया नया सेटअप लेकर आ गया। फिर उसके बाद आप आराम से कर सकते हो, मगर क्लास खत्म होने के बाद दशहरा का प्लान बनाया था हम लोगों ने, दशहरा घुमा जाएगा, मगर वो प्लान कैंसिल हो गया सिर्फ मेरी वजह से, क्योंकि मेरी तबीयत खराब हो गई थी और कुछ ज्यादा ही खराब हो गई थी, इतनी खराब हो गई थी कि क्या ही बताएं। और वो व्लॉग जो बनता दशहरा का, मैं समझता हूँ वन ऑफ द बेस्ट व्लॉग बनता, बट नहीं बन पाया। कहते हैं ना जो नसीब में नहीं होता है आप कितना भी चाहो तो नहीं मिलेगा, तो वही हुआ एग्जैक्ट। पूरा प्लान बनाने के बाद भी हम लोग को नहीं मिला और पूरा प्लान कैंसिल करना पड़ गया। फिर ऐसे ही देखते देखते मेरा 5वां व्लॉग आया, जो कि अनएक्सपेक्टेड था, और मुझे उम्मीद भी नहीं थी कि मैं कंफ्यूज था कि मैं इसे अपलोड करूं या ना करूं, क्योंकि मुझे इस व्लॉग में कुछ खास दिखा नहीं, एक्सपेक्टेड दिखा नहीं कि मैं दिखा सकूँ। मगर मैंने सोचा यार कि व्लॉग है, व्लॉग मीन्स अपनी लाइफ स्टाइल को लोगों को दिखाना, शेयर करना, और मैंने कहा चलो डाल ही दो, एक एक्सपेरिमेंटल व्लॉग है, जो होगा देख लिया जाएगा। और इस व्लॉग पर काफ़ी अच्छे रिएक्शंस आए जो कि मुझे एक्सपेक्ट नहीं था। कह रहे थे ना जो पुलिस थे, कह रहे क्या आप कहीं का रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, मैंने कहा हम टाइम लैप्स बना रहे हैं अपने वीडियो के लिए, तो कहे दूरदर्शन पे भी आएगा क्या। नेपाली टेम्पल, वन ऑफ द एशियन टेम्पल इन बनारस, मैं जानता हूँ बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत मंदिर है नेपाली टेम्पल, गया वहाँ पर, वहाँ का भी व्यू जो था, वहाँ के जो नज़ारे थे, इट्स ऑसम मैन।
बहुत गजब का था और मज़ा आ गया। मेरे अंदर के कीड़े ने कहा चल भाई ऑब्जर्वेटरी चल के ऑब्जर्वेटरी का ब्लॉग बनाते हैं। और अपन निकल के फुल जोश में, कोई जानकारी नहीं थी कि वहाँ क्या होने वाला है, और हम लोग निकल गए। और वहाँ पे जाकर पता चला कि भैया यहाँ तो ऑनलाइन टिकट कटता है, चुतिया कट गया। वहाँ पे गए ज़रूर मगर खाली हाथ आ गए। मगर उस दिन मेरे दिमाग में एक बात रही कि अब सबसे पहले भैया अपना एटीएम और पेटीएम बनाएंगे, उसके बाद ही कहीं जाएंगे। तो सबसे पहले वही काम किए, जैसे ही वहाँ से आए तुरंत बैंक दूसरे दिन गए और एटीएम बनवाए, और उसके 24 घंटे के बाद फिर पेटीएम बनवा डाले। और इसी के साथ आ गया अपना दिवाली, और दिवाली में भैया बहुत मज़े किए। दिवाली पर धनतेरस का ब्लॉग बहुत कमाल का बनाया, बहुत फुल शॉपिंग का ब्लॉग था धनतेरस की शॉपिंग का। और फिर आया अपने दिवाली का ब्लॉग, जो कि मैं समझता हूँ कि इस बार का दिवाली मेरा बहुत अच्छा गया है, पिछले कई सालों के दिवाली से ज़्यादा बेटर ये दिवाली गया है। जबकि इस साल लॉकडाउन था, पैंडेमिक था, और पता नहीं यार और क्या क्या चीज़ें थी, नहीं मालूम है। फिर भी दिवाली अच्छे से मनाई, लोगों ने अप्रिशिएट किया उस व्लॉग को, देखा उसमें एक कमेंट भी आया था बायकॉट क्रैकर्स। बात सही है, पटाखे फोड़ना गलत है एनवायरनमेंट के लिए, बट थोड़ा सा खुशी के लिए फोड़ दिया गया, अब अगली बार से ध्यान रखा जाएगा, नहीं फोड़ा जाएगा। और फिर अपना 10वां व्लॉग आ गया, इसमें मेरे साथ एक और व्लॉगर जुड़ गया जिसका नाम है आकाश। और ये देख के मुझे बहुत खुशी हुई कि आकाश ने भी ब्लॉगिंग शुरू की। मुझे देखकर कहो या फिर किसी को भी देखकर कहो, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं कोई बहुत बड़ा ब्लॉगर थोड़ी नहीं हूँ कि मुझे देखा किसी ने ब्लॉगिंग शुरू कर दी, नहीं, उसका भी कोई इंस्पिरेशन होगा जिसे उसने देख के शुरू किया ब्लॉगिंग। बहुत अच्छा लगा कि चलो आकाश भी इस फील्ड में आ रहा है, उसने भी शुरू की है, बहुत सही कर रहा है बंदा वो भी। किया था तो उसमें ऑलरेडी दो बंदों ने हमसे कहा कि भैया क्या आप रिपोर्टर हैं, मैंने कहा नहीं यार मैं रिपोर्टर नहीं हूँ मैं ब्लॉगर हूँ। लोगों को बेसिकली लगता है कि हम लोग रिपोर्टर हैं। भले ही बहुत कुछ हुआ है, बहुत सब कुछ खराब हुआ है, पैंडेमिक हुआ, जंगल में आग लग गई, हंता वायरस आ गया और फलाना ढिमकाना कौन कौन से वायरस आ गए, बट एक काम बहुत अच्छा हुआ कि टिकटॉक बैन हो गया। उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। आया अपना देव दीपावली। भाई साहब ये व्लॉग बनाने में मेरी जो हालत ख़राब हुई थी ना, मैंने इस व्लॉग को 3 बार एडिट किया था, क्योंकि मैं 3 बार मैंने उसको पूरा एडिट किया। पहले वाले में साउंड प्रॉब्लम आया, दूसरे बार में मैंने सेव नहीं किया, तीसरे बार में जाके मैंने फुल एडिट करके उस व्लॉग को अपडेट किया। बहुत मेहनत किया मैंने इस व्लॉग में, और उसका नतीजा था कि लोगों ने बहुत अच्छा उसको अप्रिशिएट किया, अच्छा लगा। मेरा मुँह उतर गया था घाट पर जाकर कि यार अब एक घाट पर ही जाकर सब कुछ करना पड़ेगा, बट एट द एंड मुझे रास्ता मिल गया। और फिर ऑब्जर्वेटरी गए नहीं थे, दिमाग में तो कीड़े रेंग रहे थे कि भाई ऑब्जर्वेटरी जाना है, पेटीएम एटीएम बनवा ही लिया था, तुरंत निकले हम लोग ऑब्जर्वेटरी की। और इस बार डायरेक्ट एंट्री मारे, बिना किसी रोक टोक के एंट्री मारे, फुल ऑब्जर्वेटरी का वीडियो बनाए, बहुत अच्छा वीडियो बनाए थे, मगर रिस्पॉन्स अच्छा नहीं आया। फिर अपना आया मोहल्ला 80, कि भैया हम हैं घुमक्कड़ इंसान, हमें घूमना बहुत पसंद है, घर में मन लगता नहीं है, बाहर मन ज़्यादा लगता है। 80 घाट पे गए, बढ़िया ब्लॉगिंग किया, बढ़िया एक अच्छा सब्सक्राइबर मिला, सब्सक्राइब किया, अच्छा सिनेमैटिक बनाया, अच्छा ब्लॉग बनाया, लोगों ने पसंद किया, बट कमेंट बहुत कम हुए। अच्छा एक बात बताइए, आप लोग को कमेंट बॉक्स काटता है क्या? नहीं बताइए आप लोग कमेंट क्यों नहीं करते हैं भैया। और फिर 80 के बाद मुझे बहुत से DMs आए कि भाई साउंड प्रॉब्लम तुम्हारी बहुत ख़राब है, तुम्हारी साउंड क्वालिटी बहुत गंदी है, ख़राब है, घटिया है। तो मैंने कहा अब इसका सोल्यूशन करना पड़ेगा, इसीलिए हाँ अमित वर्मा बोल रहे हैं, माल आ गया कि मैंने पप्पा जी से इमोशनली ब्लैकमेल करवाते हुए खर्चा करवा कर गोया का माइक ऑर्डर कर दिया, जिससे फ़िलहाल अभी ऑडियो रिकॉर्ड हो रहा है। चुम्मा लेवल का माइक है, चुम्मा लेवल की साउंड क्वालिटी देता है, एक नंबर। और देखते ही देखते क्रिसमस आ गया था, हम लोगों ने सोचा यार इस बार का क्रिसमस तो बहुत ही कमाल धमाल का व्लॉग बनेगा, बहुत ही तगड़ा व्लॉग बनेगा क्रिसमस का,
पूरा का पूरा जस्ट उसका उल्टा हो गया। हुआ क्या? चर्च खुला ही नहीं। मैंने कहा चलो ठीक है, एक बार को चर्च नहीं खुलता है, दूसरी बार तो खुलेगा। दूसरे दिन गए, चर्च नहीं खुला। मैंने कहा चलो ठीक है, दूसरे दिन भी नहीं खुला, अपनी किस्मत फूटी हुई है। BHU चले गए, हम लोग दर्शन कर लिया, अच्छा व्लॉग बना लिया, आप लोगों को एंटरटेन करने की कोशिश की, बट एट द एंड स्कैम हो गया हमारे साथ। सबसे कम व्यूज 24 घंटे में आया उस वीडियो पर, सबसे कम व्यूज 24 घंटे में उसमें आए थे सिर्फ 30 व्यूज, और बाकी सारे वीडियोस में एक घंटे में लगभग 30 व्यूज आ जाते हैं। दिल चीर कर वो ब्लॉग मेरे पार चला गया कि यार इतना मेहनत किया इस ब्लॉग के लिए, दो दो बार गए चर्च, एक बार पैदल गए, दूसरी बार गाड़ी का तेल फूका। अपने इस साल में 100 सब्सक्राइबर हो गए 2 महीने में, ये बहुत बड़ी बात मेरे लिए एज ए न्यू क्रिएटर को। 2020 ने मुझे एक चीज़ तो बहुत अच्छे से सिखाई कि कैसे अपने कंफर्ट जोन को तोड़कर छोड़कर बाहर आते हैं। मैं आप लोग को नहीं पता होगा, मैं बहुत ही शाय बिहेवियर का लड़का हूँ, मैं बहुत ज़्यादा शर्मिला लगता हूँ लड़का हूँ। लोगों से बात करने में मेरी हालत ख़राब होती है, खासकर नए लोगों से। दोस्तों में नहीं, जो दोस्त हैं उससे तो बिंदास बात करते हैं, बट नए लोगों से नए दोस्त बनाने में बहुत हालत ख़राब होती है। मैं अपने कंफर्ट जोन से कभी बाहर ही नहीं आ पाता था, मगर व्लॉगिंग मैंने जब से शुरू की, यूट्यूब के वीडियोस बनाना जब से मैंने शुरू किया, तब से मैंने अपने कंफर्ट जोन को बहुत पीछे छोड़ दिया है। इतना पीछे कि अगर मैं सोचता भी हूँ तो लगता है क्या यार ये अमित वही है जो 2 महीने पहले था, इसमें इतने चेंजेस कहाँ से आ गए। तो मैंने अपने कंफर्ट जोन को बहुत पीछे छोड़ दिया है, और अब आने वाले टाइम में भी बीच में छोड़ कर आगे बढ़ता रहूँगा, क्योंकि जैसे जैसे मैं कैमरा के सामने खुलता जाऊँगा व्लॉग वैसे अच्छे बनते जाएंगे। बस रिक्वेस्ट आपसे है कि आप लोग प्लीज़ सपोर्ट किया करो यार, थोड़ा सा लाइक कर दो, कमेंट कर दिया करो, क्योंकि कमेंट से पता चलता है कि किस किस ने व्लॉग देखा। अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर कर दिया कीजिए, और नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लिया कीजिए, क्योंकि मोटिवेशन थोड़ी सी मिल जाती है कि हाँ यार चलो हमारी मेहनत ज़ाया नहीं जा रही है, लोग हमें देखना पसंद कर रहे हैं। तो ये था YouTube का एक YouTube करें तो ये था मेरा 2020 का रिवाइंड वीडियो। बहुत कुछ हुआ इस साल, बट बहुत कुछ सीखने को भी मिला इस साल में। तो मिलते हैं आपको दोस्तों बहुत जल्दी और एक नए कमाल के 2021 के व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर, जय राम जी की। और अब 2021 का व्लॉग बहुत धमाकेदार होगा, इस बात की हम गारंटी देते हैं। तो बाय बाय, सी यू, टेक केयर, जय राम जी की। दो हजार इक्कीस से कुछ खास उम्मीद तो हमको नहीं है, बस मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि भगवान मैं नॉनवेज छोड़ दूंगा, हजारों अगरबत्तियां जलाऊंगा, बस एक काम कर दे, वायरस को इस दुनिया से उठा ले, नर्क में जलाओ उसे।